हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज बनाते हैं पानी पूरी। मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है, ये सबको पसंद है। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए हम पानी पूरी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें मीठी चटनी जो बनाई है, ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसमें मैंने रगड़े का इस्तेमाल नहीं किया है, जो सफ़ेद वटाने रहते हैं हमें भिगो के इसको रगड़ा बनाना पड़ता है, मैंने इसके बदले मूंग का इस्तेमाल किए हैं। मूंग मैंने करीब 2 से 3 घंटे भिगोए थे यूज करने से पहले। अच्छी तरह से भिगोने के बाद इसको मैंने बॉईल किया था, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के। 100% बॉईल नहीं किया है मैंने, 90% ही बॉईल किया है, तो इसमें मैं रगड़े का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो मुझे पानी बनाने के लिए लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया 1 कप धनिया का, 1 कप पुदीना, हरी मिर्च लिए है अपने तीखेपन के अनुसार, थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है, ये जीरा पाउडर मैंने रोस्ट करके कूटा हुआ है, थोड़ा सा अदरक लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, काला नमक लिया है और अपना सादा नमक टेस्ट के अनुसार। ये सारे मसाले मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ, इसे बारीक पीसने हैं हमें। तो चलिए हम मसालों को पीसते हैं। मसाले पीस के बिल्कुल रेडी है। तो हम एक स्ट्रेनर के हेल्प से मसालों को छानते हैं। मसालों का जो ग्रेन जैसा रहता है वो पानी में नहीं जाना चाहिए, इसे चम्मच के मदद से हमें अच्छे से स्मैश करना है। इसके बाद जो मसालों का जो ग्राइंडर में जो मसाले रहते हैं उसमें हम पानी डालेंगे, वो पानी को भी स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे। चलिए हम स्ट्रेन करते हैं। देखिए इस तरह से हमें करना है, पूरी तरह से स्ट्रेन करना है, मसालों का जो पूरा फ्लेवर वो पानी में उतरना चाहिए। चलिए आगे के स्टेप बढ़ते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने ठंडा पानी लिया है, ठंडा पानी डालने से पानी पूरी का जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया आता है। तो ज्यादा करके ठंडा पानी डालिए, ठंडा पानी डालिए अपने अंदाज से, इसे बहुत ही पानी पानी बनाना है एकदम भी नहीं। मसाला और पानी बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होना जरूरी है, तो ऐसा हो जाएगा कि हमने पानी ज्यादा डाला और मसाला कम। अब हम डालेंगे इसमें काला नमक, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, अपने टेस्ट के अनुसार डालिए नमक। अब हम डालते हैं इसमें पानी पूरी मसाला, फिर डालते हैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला करीब 1 टीस्पून ही लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें बूंदी डालते हैं। मैंने इसमें खारा बूंदी का इस्तेमाल किया है। बूंदी डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके आगे के स्टेप की ओर बढ़ते हैं। मैंने इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड किए हैं, थोड़ा अच्छा सा छिल्ड पानी हो जाएगा। अब जो मूंग हमने बॉईल करके रखा था उसमें थोड़े से मसाले पड़ेंगे, तो चलिए अब मसाले ऐड करते हैं। हम लेते हैं थोड़ा सा नमक, उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डालते हैं। अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा काला नमक। अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा बूंदी। बूंदी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमारा मस्त में एकदम मूंग का जो स्टफिंग है बनके रेडी है। तो मीठी चटनी की रेसिपी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप चेक कीजिए प्लीज। तो बढ़ते आगे के स्टेप की ओर। यह है पानी पूरी जो मैंने रेडीमेड मार्केट से मंगाए थे, आप घर पे भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं जल्दी डालूंगी। चलिए बनाते हैं अब बढ़िया सी पानी पूरी। मुंह में पानी आ रहा है ना सबके? तो चलिए, तो देखिए हमारी पानी पूरी बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो बनाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी बनी है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय।